पार्टी द्वारा राघोपुर विधानसभा के चक सिकंदर में चलाए जा रहे स्वास्थ्य शिविर का नेतृत्व कर रहे राष्ट्रीय महासचिव राजेश रंजन पप्पू और युवा प्रदेश महासचिव और प्रवक्ता पिंटू यादव ने कहा कि बिहार सरकार या बीजेपी के नेता भले गायब हो, पर जन सेवा के लिए हम हर कदम लोगों के साथ हैं। जो भी यहाँ पॉजिटिव मिलेंगे उनको पटना ले जाकर इलाज कराएंगे और जिन्हें सर्दी बुखार है उन्हें इस स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से दवाई देंगे। राघोपुर विधानसभा क्षेत्र में यह गांव आता है, न सत्ता पक्ष, न सरकार, न विपक्ष। जो यहां से जीते हुए विधायक वो भी लापता है, जो बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़े थे वो भी लापता है। बीजेपी की सरकार है मगर इस गांव में 17-17 लोग मर जाते हैं, मगर अभी तक कोई जनप्रतिनिधि देखने नहीं आया। हमारे पार्टी के सुप्रीमो को अखबारों के माध्यम से पता चला तो वो खत के माध्यम से हम लोग को जानकारी दी है। उसके बाद हम लोग यहाँ आज डॉक्टरों की टीम के साथ आए हैं, पूरे गांव का हम लोग कोरोना जांच करा रहे हैं। जो पॉजिटिव मिलेंगे उनको पटना ले जाके प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करवा के उनके समुचित इलाज करवाएंगे, और जिनको सर्दी खांसी छोटे मोटे जुकाम बुखार हैं उनको हम लोग यहाँ दवा अभी उपलब्ध करा रहे हैं। और ये शिविर आज लगभग 500 लोगों के चेक करने का टारगेट लेके आई है। अभी तक 100 से 150 की जांच हो चुकी है, बाकी की जांच चल रही है। आखिर न्यूज 24 के लिए पटना से ब्यूरो रिपोर्ट।